सलमान खान की अपकमिंग फिल्म सिकंदर का क्रेज 6 महीने पहले से ही दर्शकों के बीच देखने को मिल रहा है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है और एक के बाद एक स्टार्स की फिल्म में एंट्री हो रही है। बीते दिन एक एक्टर ने रिवील किया था कि वो सलमान खान के अपोजिट विलन का रोल निभाएंगे और अब एक नई हीरोइन के फिल्म में शामिल होने की चर्चा है। साजिद नारियडवाला निर्मित सिकंदर साल 2025 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का निर्देशन AR मुर्गोदास कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग जारी है। फिल्म रिलीज को 6 महीने बचे हैं और टीम में एक और हीरोइन शामिल हो गई है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सिकंदर फिल्म में एक नई एक्ट्रेस की एंट्री हुई है, जिन्होंने 20 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म बिन्नी एंड फैमिली से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हम बात कर रहे हैं अंजनी धवन की, जो एक्टर वरुण धवन की भतीजी और सिद्धार्थ धवन की बेटी है। अंजनी धवन सलमान खान की फिल्म सिकंदर में अहम भूमिका निभाएगी। उनका किरदार सलमान खान से जुड़ा होगा या नहीं, इस बारे में कोई अपडेट नहीं आया है। वो जल्द ही टीम के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगी। अंजनी धवन ने बिन्नी एंड फैमिली फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। भले ही फिल्म सिनेमाघरों में कुछ खास कमाल ना दिखा पाई हो, लेकिन बिन्नी यानी अंजलि को उनकी परफॉर्मेंस के लिए खूब सराहा गया। फिलहाल मेकर्स या एक्ट्रेस की तरफ से सिकंदर में शामिल होने की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। सिकंदर 2025 में ईद पर रिलीज हो रही है। सलमान खान की सिकंदर में रश्मिका मंदाना, सुनील दत्त, सत्यराज, काजल अग्रवाल और प्रतीक बब्बर जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज होगी, तो आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके बताइए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।